नमस्कार दोस्तों, फिर हाजिर है योगेंद्र वर्मा आपके साथ बहुत ही अमेजिंग वीडियो लेके। हेल्थ एक्सपर्ट, हेल्थ कोच, हेल्थ कंसल्टेंट, आज अमेजिंग वीडियो लेके आए हैं दोस्तों। एक कंपनी का प्लान आता है ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड का, हैप्पी हेल्थ फैमिली फ्लोटर प्लान दोस्तों। इसके बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन दूंगा, आप लोगों से रिक्वेस्ट है इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। और ये मेरा दावा है कि आप इस वीडियो में पूरी इन्फॉर्मेशन लेंगे, प्रॉपर जानकारी लेंगे और आपको समझ में आएगा कि ओरिएंटल इंश्योरेंस किस तरह से काम करता है दोस्तों। इसके तीन वेरियंट आते हैं, इसकी पूरी डिटेल एंड तक बताऊंगा दोस्तों। बहुत ज्यादा समय नहीं लूंगा, आपसे रिक्वेस्ट है इस वीडियो को प्लीज मैक्सिमम शेयर करिए, कमेंट करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले दोस्तों। तो दोस्तों स्टार्ट कर रहे हैं इस वीडियो को। सबसे पहले इस द ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी के बारे में बता दूं, बहुत ही अमेजिंग और बहुत ही बढ़िया कंपनी है दोस्तों। सरकारी कंपनी है, तीन कंपनी चार कंपनी में से एक वन ऑफ द बेस्ट कंपनी है ओरिएंटल इंश्योरेंस इंडिया लिमिटेड। इसमें बेस्ट पार्ट है कि जो प्लान आता है फैमिली फ्लोटर का, उसमें तीन वेरिएंट आते हैं, सिल्वर, गोल्ड एंड डायमंड। नंबर वन एज ऑफ एंट्री, जो तीनों प्लान के अंदर सेम है, 18 साल से लेकर 65 साल तक का कोई भी पर्सन इस पॉलिसी को ले सकता है। चाइल्ड एज की बात करूं दोस्तों, तो 91 डेज से लेके 18 इयर्स तक इस पॉलिसी के अंदर चाइल्ड कवर होते हैं। अब मैं जो तीन वेरिएंट की बात कर रहा था दोस्तों, सिल्वर, गोल्ड एंड डायमंड प्लान। और सिल्वर प्लान जो है 2 लाख रुपए से शुरू होता है और 5 लाख रुपए तक रहता है। गोल्ड प्लान 6 लाख रुपए से शुरू होता है और 11 लाख रुपए तक रहता है। और डायमंड प्लान की बात करें तो 12 लाख रुपए से लेके 20 लाख रुपए तक का सम इंश्योर्ड इसमें अवेलेबल रहता है दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों अब इसमें मेन तीन यूनिवर्सल रूल्स है, जैसे मेरी सारी वीडियोस के अंदर आपने देखे होंगे। नंबर वन, 24 आवर्स हॉस्पिटलाइजेशन होना जरूरी होता है, बिना एडमिट हुए कोई भी कंपनी कवर नहीं करती, यहाँ पर भी नहीं होता है दोस्तों, सेम चलता है। और इनिशियली 24 आवर्स जब भी कोई हॉस्पिटलाइजेशन होती है उसके बाद ही आप कोई क्लेम ले सकते हैं, बिना 24 घंटे एडमिट हुए कोई कंपनी क्लेम नहीं देती है। पहले 30 दिन कोई भी बीमारी के लिए क्लेम नहीं मिलता है, और अगर एक्सीडेंट की वजह से कोई भी जरूरत पड़ती है तो वो डे वन से कवर होता है। ये तीन यूनिवर्सल रूल सारी कंपनी से फॉलो होते हैं, यहाँ पर भी होते हैं दोस्तों। इसके अलावा आप जो चीजें बताऊंगा इस पॉलिसी के बारे में, सिल्वर हेल्थ, गोल्ड प्लान और डायमंड प्लान, तीनों को एक साथ डिस्क्राइब करूंगा। प्री एंड पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन होता है दोस्तों, एडमिट होने से पहले का खर्चा और डिस्चार्ज होने के बाद का खर्चा। इस पॉलिसी में 30 दिन पहले और 60 दिन बाद के सारे खर्चे कवर होते हैं। जब भी कोई आदमी बीमार होता है, हॉस्पिटलाइज होता है, उससे पहले कुछ ना कुछ खर्चे उसके हो चुके होते हैं। जैसे फीवर का ही एग्जाम्पल लेते हैं, कोई नॉर्मल डॉक्टर से दवाई लेता है, ट्रीटमेंट कराता है, कोई टेस्ट कराता है, वो सारे खर्चे उसके कवर होते हैं। अगर वो 10 दिन 15 दिन से दवाई ले रहा था और बाद में 16वें दिन अगर वो एडमिट होता है तो उसके जो एक्सपेंसेस है उसके बिल सबमिट करेंगे तो वो रिइंबर्स हो जाते हैं 30 दिन पहले। ऐसे डिस्चार्ज होने के बाद डॉक्टर कहता है कि 2 महीने अगर दवाइयां और चलेंगी, उसके बाद के एक्सपेंस अगर कुछ भी एक्सपेंसेस है उसको बिल देंगे तो वो भी आपका रिइंबर्स हो जाता है। तो मैंने बताया 30 दिन पहले और 60 दिन बाद तीनों वेरिएंट में ये अवेलेबल रहता है दोस्तों। इसके अलावा रूम रेंट लिमिट्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। सिल्वर प्लान या गोल्ड प्लान के अंदर 1% और रूम रेंट की इसमें लिमिट रहती है, यानी कि अगर आपने पॉलिसी 5 लाख रुपए की ली है तो 5000 रुपए पर डे तक का ही रूम ले सकते हैं, 3 लाख के लिए तो 3000 रुपए पर डे तक का रूम ले सकते हैं। लेकिन अगर यही पॉलिसी आपने डायमंड प्लान लिया है, 12 लाख रुपए से 20 लाख रुपए तक की पॉलिसी ली है, तो उसमें 10,000 प्लस 0.5% तक का सम इंश्योर्ड आप ले सकते हैं। सम इंश्योर्ड का 0.5% मतलब कि आपकी 20 लाख रुपए की पॉलिसी है तो 20,000 रुपए तक का ही आप रूम ले सकते हैं, उसमें भी एक कंडीशन एप्लीकेबल रहती है। ओके, इन एनी केस अगर आईसीयू रूम की बात करूं तो आईसीयू रूम में सिल्वर एंड गोल्ड प्लान के अंदर 2% ऑफ सम इंश्योर्ड की लिमिट रहेगी, यानी कि 3 लाख की पॉलिसी है तो 6,000 रुपए पर डे तक का रूम ले सकते हैं। और ऐसे ही डायमंड प्लान की बात करूं तो 20,000 प्लस 1% ऑफ सम इंश्योर्ड, यानी कि 20 लाख की पॉलिसी है तो 20,000 प्लस 1% 20,000 40,000 रुपए पर डे तक का मैक्सिमम रूम आप हायर कर सकते हैं। ये इस पॉलिसी के अंदर फीचर है दोस्तों। इसके अलावा इस पॉलिसी में बात करूं तो रीसेट एंड रीस्टोरेशन का भी फीचर है, जो और प्राइवेट कंपनीज देती हैं, इन लोगों ने भी इस प्रीमियम में लॉन्च किया है। इस पॉलिसी के अंदर स्पेशलिटी है कि ये आप एडिशनल प्रीमियम देके रिस्टोर का फीचर्स ले सकते हैं। रिस्टोर मतलब 5 लाख की पॉलिसी लिए तो 5 लाख के साथ 5 लाख एक्स्ट्रा, 10 लाख के लिए तो 10 लाख के साथ 10 लाख एक्स्ट्रा, सेम पर्सन सेम डिसीज के लिए नहीं मिलता है दोस्तों, ये अदर डिसीज के लिए आप इसमें यूज कर सकते हैं। इट मीन्स कभी भी अगर एक बीमारी के लिए आपने 5 लाख रुपए यूज कर लिया है, वो पूरा 5 लाख खत्म होने के बाद आपने रिस्टोर का प्रीमियम दिया हुआ है,
तो आप दो तरह के वेरिएंट ले सकते हैं, एक तो 50% रिस्टोर करा सकते हैं और एक है 100% रिस्टोरेशन। दोनों के लिए प्रीमियम आपको एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा, ये रिस्टोरेशन आपको मिल जाती है दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों इस पॉलिसी के अंदर एक बहुत ही खूबसूरती है, इस पॉलिसी के अंदर अपने पेरेंट्स को भी ऐड किया जा सकता है जो किसी भी कंपनी के अंदर अवेलेबल नहीं है दोस्तों। ज्यादातर जो फैमिली फ्लोटर्स प्लान होते हैं उसमें हस्बैंड वाइफ और बच्चे ही कवर होते हैं। दिस इज द ओनली पॉलिसी जिसके अंदर पेरेंट्स आप अपने खुद के मदर फादर को एनरोल कर सकते हो या अपनी वाइफ के मदर फादर को एनरोल कर सकते हो, प्लस अपने भाई या बहन को जो अनमैरिड है और डिपेंडेंट है आपके ऊपर पढ़ रहे हैं तो उनको भी आप, जो वर्किंग नहीं है उनको भी इस पॉलिसी में ऐड कर सकते हैं। इसमें हाईएस्ट ऑफ द जो मेंबर है उसकी एज से प्रीमियम काउंट होता है दोस्तों। दिस इज द हैप्पी हेल्थ फैमिली फ्लोटर प्लान दोस्तों। इस प्लान के अंदर ये स्पेशलिटी है जो और कोई कंपनी प्रोवाइड नहीं करती है दोस्तों। इसके अलावा ये ऑपरेशन रिलेटेड नीड्स की बात करूं तो बाकी कंपनीज में जैसे 2 साल का वेटिंग पीरियड होता है, यहाँ पर भी 2 साल का वेटिंग पीरियड है। जैसे स्टोन, कैटरेक्ट, हर्निया, सॉली पाइल्स, गाइन रिलेटेड इश्यूज पहले 2 साल तक कवर नहीं होते हैं, यहाँ पर भी कवर नहीं होते दोस्तों। इसके अलावा प्री एग्जिस्टिंग डिसीज होती है दोस्तों। प्री एग्जिस्टिंग डिसीज का मतलब होता है जो बीमारी आपको पहले से है वो बीमारी यहाँ पर 4 साल के बाद कवर होती है। जैसे बीपी, शुगर, थायराइड, अस्थमा, कोई भी बीमारी पॉलिसी लेते वक्त आप इसमें डिक्लेयर करते हैं तो वो बीमारी 4 साल के बाद कवर होगी दोस्तों। एट लास्ट नॉट लीस्ट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, कोपेमेंट। इसमें कंपलसरी कोपेमेंट है दोस्तों। अगर किसी के पास सिल्वर हेल्थ प्लान है तो 10% कोपेमेंट इसमें मैंडेटरी लगेगा। यानी कि अगर आपका 2 लाख रुपए का क्लेम आया है, पॉलिसी 3 लाख रुपए की है, तो 2 लाख का 10% आपको हर बार पे करना पड़ेगा, ये इसमें मैंडेटरी है। यही प्लान अगर आप गोल्ड में स्विच कर लेते हैं जो 6 लाख रुपए से लेके 10 लाख रुपए तक का सम इंश्योर्ड है तो वहां पर कोपेमेंट नहीं है दोस्तों। डायमंड प्लान के अंदर भी किसी तरह की कोपेमेंट नहीं है दोस्तों। 55 साल तक इस पॉलिसी के अंदर हेल्थ चेकअप नहीं है डायमंड प्लान के लिए, 60 साल तक की इस पॉलिसी के अंदर हेल्थ चेकअप नहीं है सिल्वर एंड गोल्ड प्लान लेने के लिए। 60 साल तक का कोई भी पर्सन इस प्लान को ले सकता है। इस पॉलिसी के अंदर एक और एक्स्ट्रा वर्जन है, अगर आप जो 65 साल तक की हमारी एज ऑफ एंट्री है इसको 70 कराना चाहते हैं तो कंपलसरी 20% कोपेमेंट और लगता है दोस्तों। लेकिन इसके लिए प्री मेडिकल टेस्ट की फॉर्मेलिटीज आ जाती हैं, वो आपको कराने पड़ेंगे, उसके बाद ही ये पॉलिसी ले सकते हैं दोस्तों। इस पॉलिसी में एटलास एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज है, टीपीए थर्ड पार्टी एसोसिएट्स, वो बहुत इम्पोर्टेंट होता है दोस्तों। इसमें आउटसाइड टीपीए है, इन हाउस टीपीए नहीं है। यानी कि कुछ कंपनीज के साथ, जैसे मैं अगर कुछ प्राइवेट कंपनीज की बात करूं, आईसीआईसी, अपोलो, मैक्सोपा, इनके अंदर इनहाउस टीपीए, जिस कंपनी की पॉलिसी होती है उसी का टीपीए ही काम करता है। लेकिन ओरिएंटल कंपनी की बात करूं तो यहां पर टीपीए आउटसाइडर होता है। जैसे इसके साथ ई मेडियसिस्ट है, पारस टीपीए, रक्षा टीपीए, कई सारे टीपीए हैं जो इनके साथ एनरोल होते हैं। टीपीए अलग आउटसाइड होने में स्लाइटली क्लेम देने में थोड़ा सा इश्यू लगता है, थोड़ा सा टाइम ज्यादा लगता है, थोड़ा सा कैशलेस कराने में दिक्कत होती है दोस्तों। अदरवाइज पॉलिसी अच्छी है, प्रीमियम रीजनेबल है, थोड़ा सा प्रीमियम महंगा है। अगर चीपर और हायर साइड की बात करूं तो इतने पैसे में बाहर किसी भी प्राइवेट कंपनीज में इससे अच्छा और बेटर प्लान मिल सकता है। लेकिन अगर इसकी बात करूं तो फैमिली को कवर करना है तो उसके लिए बहुत रीजनेबल और बढ़िया पॉलिसी है दोस्तों। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आया, आपको अच्छा लगे तो प्लीज मेरे इस वीडियो को कमेंट करें, शेयर करें, मैक्सिमम लोगों से बात करें। किसी भी नया प्लान लेने के लिए आप मुझे कॉल कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा दोस्तों। योगेंद्र वर्मा आपका दोस्त, सच्चा साथी। धन्यवाद, थैंक यू।